ये है उल्टा क्लब हाउस। ऐसी अनोखी बिल्डिंग नहीं देखी होगी आपने। ऐसी बिल्डिंग कई बार आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, इसे बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा और बनाते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको देखकर लोग कहते हैं ये कैसे हो पाया, ये तो नामुमकिन था। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदापुरम की ऑरेंज काउंटी सोसाइटी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई सोसाइटी के गेट पर आकर अचानक रुक जाता है। इसके पीछे की वजह है इसका उल्टा क्लब हाउस। जब आप सोसाइटी के गेट से अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको ये उल्टा क्लब हाउस नजर आएगा। पहली दफा देखकर तो कोई भी कहेगा ये गलत बना है, या तो बना है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इसमें सब कुछ उल्टा है। इसके पिलर, इसके बनावट और तो और खिड़कियां भी इसमें उल्टी लगी हुई है। देखिए, जब हम किसी को रेफरेंस देते हैं यहाँ पे आने के लिए, हमारे चाहे वो रिश्तेदार हों या मित्रगण हों, तो उनको ऑरेंज काउंटी बोलने के बजाय हम बोलते हैं वहाँ पे पूछो उल्टी बिल्डिंग कहाँ। और उल्टी बिल्डिंग जब वो गाजियाबाद से आते हैं तो किसी से भी पूछने पे वो सीधा अपने आप, हर आदमी रिक्शे वाला हो चाहे वो बड़ी कोठियों में रहने वाले हो, उनको मालूम है रास्ता कहाँ है, तो बड़े आसानी से पहुँच जाता है और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत फेमस बिल्डिंग है। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा बिल्डिंग जो है इसकी जो दीवारें भी टेढ़ी हैं, आपको पेंट करना है तो अनटिल स्काफोल्डिंग लगे तो उसे आपका पेंट नहीं हो सकता। सफाई करनी हो तो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप स्टेयरकेस से लैडर से सीधा जा सकते हो, आप इंक्लाइन पोजीशन में या उसमें तो आपका करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लड़के हैं बड़े अभी माहिर हो गए इसको बिल्डिंग को देखने में, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये चमक रही है बिल्डिंग। 11 साल हो गए हैं लेकिन अपनी जो सुंदरता है वो अभी तक इसने बरकरार रखी हुई है। इसका सिर्फ एक कारण है कि एक तो यहाँ के जो हमारे सोसाइटी के रेजिडेंट है इसे बहुत प्यार करते हैं, और दूसरा ये एक लैंडमार्क है, तो इसको इसकी सुरक्षा, इसकी संरक्षणा, ये सब बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ये बिल्डिंग अब इस इलाके की पहचान बन चुकी है और हर कोई दूर दराज से इस उल्टे और अजूबे बिल्डिंग को देखने आता है। इस बिल्डिंग के क्लब हाउस में आपको बैठने के लिए बेंच और रोशनी के लिए लाइट लैंप सब कुछ उल्टा नजर आएगा। वहीं इस क्लब हाउस को बनाने वाले विशाल शर्मा कहते हैं, हमने बहुत कुछ सोच समझ कर और कुछ हटकर कोशिश की और तमाम दिक्कतों के बाद भी इंजीनियरिंग की सोच के साथ इसे बना दिया। इस पूरी क्लब हाउस को बनाना मुश्किल था, क्योंकि एक इमारत को सामने से उल्टा बनाना पर अंदर से वो सीधी हो, इससे बेहतर नमूना क्या हो सकता है। जब लोग दूर से इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इमारत को उलट दिया हो। कुछ नायाब इमारतें ऐसी होती हैं जिनके बन जाने के बाद उसको बनाने वाले की पहचान पूरे शहर या फिर कहा जाए तो हर जगह उसकी चर्चा होने लगती है। ऐसा कई बार भी होता है कि वो इमारत वर्ल्ड फेमस हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इमारत सबसे अलग होती है, सबसे हटकर होती है। लोग कहते हैं कि उस जगह जाना है जहाँ पर वो इमारत स्थित है, इसलिए तो कहते हैं कई बार शहर की पहचान शहर की इमारतों से होती है जिनको बनाने वाले ने कुछ अलग ही सोचा होगा। वही कहते हैं इमारत बनाने वाले की सोच उसकी कारीगरी को प्रदर्शित करती है, और इस तरह के स्ट्रक्चर न केवल अद्भुत हैं बल्कि बेहतर इंजीनियरिंग के नमूने को भी पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।